तो यहाँ पर भाई अगर आप Redmi Note 10 डिवाइस के यूज़र हो तो आज का ये वाला वीडियो आप Redmi Note 10 यूज़र्स के लिए भाई सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि भाई फाइनली एंड फाइनली MIUI 14 के साथ Android 13 का अपडेट Redmi Note 10 डिवाइस के लिए इंडिया पे रोल आउट होना स्टार्ट यार हो चुका है। तो भाई आज की इस वीडियो में भाई हम आपको बताएंगे कौन से वर्जन के दौरान MIUI 14 का अपडेट इंडिया पे Redmi Note 10 डिवाइस को देखने को मिला है, अपडेट का साइज़ क्या है एंड MIUI 14 अपडेट के बाद आपके Redmi Note 10 डिवाइस के अंदर आपको Xiaomi की तरफ से क्या क्या न्यू अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलता है। तो भाई आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहो, तभी आपको पता चलेगा आपके अपडेट के दौरान यानी MIUI 14 अपडेट के दौरान आपको क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलता है आपके डिवाइस के अंदर। उससे पहले भाई चैनल पर नए आ रहे हो और ऐसे ही Redmi Note 10 के अपडेट की वीडियो आप फ्यूचर पे हमारे YouTube चैनल पे देखना चाहते हो तो यहाँ पर भाई फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको आप ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि भाई देखो फ्यूचर पे Redmi Note 10 डिवाइस के अंदर जो भी अपडेट्स आएंगे उनका वीडियो आपको सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भाई आपको देखने को मिल जाएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेना, ठीक है ना। तो चले दोस्तों आज की इस कमाल के वीडियो को जल्दी से यहाँ पर हम लोग भाई स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Redmi Note 10 डिवाइस के लिए इंडिया पे जो न्यू अपडेट भाई जो MIUI 14 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है भाई, अपडेट का यहाँ पर वर्सन है MIUI 14.0.1.0। जी हाँ भाई आपने एकदम सही सुना, MIUI 14.0.1.0 वर्सन के दौरान MIUI 14 का अपडेट भाई फाइनली इंडिया पे Redmi Note 10 डिवाइस के लिए ऑफिशियली Xiaomi की तरफ से रोल आउट होना स्टार्ट यार हो चुका है। तो भाई अगर आपके पास Redmi का Note 10 डिवाइस है तो आपको यहाँ पर एक काम करना है, सबसे पहले आपके डिवाइस की सेटिंग्स पे जाना है, उसके बाद आपके डिवाइस के अबाउट फोन में जाना है, उसके बाद भाई आपके डिवाइस की सिस्टम अपडेटर या फिर सॉफ्टवेयर अपडेटर को भी आप बोल सकते हो, वहाँ पर जाके भाई आपको चेक करना है ये जो MIUI 14 का अपडेट है आपके डिवाइस के अंदर, आपके Redmi Note 10 डिवाइस के अंदर ये वाला अपडेट आपको देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है। अगर ये वाला अपडेट आपके Redmi Note 10 डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिल गया है ऑलरेडी तो अपडेट कर लो, और ये MIUI 14 का अपडेट आपके Redmi Note 10 डिवाइस के अंदर अगर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है तो इस वाले वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहो यानी एंड तक देखते रहो, कैसे आपको अपडेट मिलेगा, कैसे आपके डिवाइस को आप अभी कभी अपडेट करेंगे वो सब कुछ मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना भाई। तो अपडेट की साइज की बात करें भाई तो 280 MB, जी हाँ भाई 280 MB के दौरान एक छोटा मीडियम साइज का अपडेट देखने को मिला है इंडिया पे Redmi Note 10 डिवाइस के लिए। तो यहाँ पर भाई अब हम लोग बात करते हैं इस MIUI 14 अपडेट के बाद आपके Redmi Note 10 डिवाइस के अंदर आपको Xiaomi की तरफ से क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलता है इंडिया पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपडेटेड एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच January 2023, जी हाँ भाई इस अपडेट के बाद आपको लेटेस्ट जनवरी महीने का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है आपके डिवाइस के अंदर। उसके बाद भाई इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, तो आपके डिवाइस की सिस्टम की सिक्योरिटी को भी काफ़ी इंप्रूवमेंट काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया है MIUI 14 इंडियन स्टेबल अपडेट के बाद, जो भाई एक बहुत ही बेहतर बढ़िया बात होता है। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम के अंदर ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी, जी हाँ भाई ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है। खैर ये फीचर बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस की सिस्टम की परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा भाई ऑप्टिमाइज एंड काफ़ी बढ़िया कर दिया गया है, यानी आपके डिवाइस को जैसे नॉर्मल आप यूज़ करोगे, कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे क्लोज़ करोगे या फिर भाई कोई काम आप करोगे या नॉर्मल काम करोगे आपके Redmi Note 10 डिवाइस के अंदर, तो इस MIUI 14 अपडेट के बाद आपका Redmi Note 10 डिवाइस भाई यहाँ पर सच में बहुत ही बेहतर एंड स्मूथ परफॉर्मेंस देने वाला है, यानी आपका Redmi Note 10 डिवाइस भाई इस MIUI 14 अपडेट करने के बाद अच्छा खासा स्मूथ चलने वाला है, आपको लैग वगैरह हैंग वगैरह कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा आपके Redmi Note 10 डिवाइस के अंदर, जो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात भाई हो जाता है। उसके बाद मोर फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर सर्च इन सेटिंग्स इज नाउ मोर एडवांस विथ सर्च हिस्ट्री एंड कैटेगरीज इन रिजल्ट्स, एवरीथिंग लुक्स मच क्रिस्पियर नाउ। तो यहाँ पर आपको मोर फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट पे आपको बहुत ही अच्छा खासा फीचर्स देखने को मिलता है MIUI 14 अपडेट के बाद। उसके बाद भाई हम लोग नेक्स्ट फीचर की बात करें, अगले फीचर की बात करें तो MIUI 14 अपडेट के बाद Redmi Note 10 डिवाइस का जो बैटरी परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी बेहतर एंड बढ़िया कर दिया गया है। जी हाँ भाई आपने एकदम सही सुना, आपको अगर बैटरी ड्रेन इशू मिलता था आपके Redmi Note 10 डिवाइस के अंदर, यानी आपके Redmi Note 10 डिवाइस यहाँ पर बैटरी ड्रेन होता था, तो देखो भाई MIUI 14 अपडेट के बाद आपको एकदम ही बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा आपके Redmi Note 10 डिवाइस के अंदर, यानी आपका डिवाइस का जो बैटरी है काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी अच्छा चलने वाला है,
यानी आप मूवीज वगैरह देखोगे, गेम खेलोगे या फिर कोई भी काम आप करोगे आपके रेडमी नोट 10 डिवाइस के अंदर, तो इस MIUI 14 इंडियन स्टेबल अपडेट के बाद आपको पिछले अपडेट के मुकाबले यानी MIUI 14 अपडेट को करने के बाद और बेहतर अच्छा खासा बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, यानी बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम आपको एकदम ही देखने को नहीं मिलेगा आपके डिवाइस के अंदर। उसके बाद भाई हम लोग नेक्स्ट फीचर की बात करें तो बहुत सारे लोग Redmi Note 10 डिवाइस के अंदर गेम खेलते हैं, कोई पबजी खेलता है, कोई कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता है, कोई फ्री फायर खेलता है, तो कोई BGMI खेलता है। तो भाई जो चारों गेम्स का मैंने आपको नाम बताया, इन चारों गेम्स में से आप कौन से गेम को आपके Redmi Note 10 डिवाइस के अंदर खेलते हो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट करके बताना कि कौन से गेम को आप आपके डिवाइस के अंदर भाई खेलते हो, ठीक है ना। तो देखो भाई यहाँ पर MIUI 14 अपडेट के बाद गेमिंग परफॉर्मेंस को भी काफ़ी बेहतर एंड काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया है Redmi Note 10 डिवाइस के अंदर। यानी आप गेम खेलोगे पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, BGMI, कोई भी गेम खेलोगे अपडेट को करने के बाद, तो भाई आपको और भी ज़्यादा स्मूथ और भी बढ़िया स्टेबल फ्रेम रेट के साथ अच्छा बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। यानी आपको लैग वगैरह, हैंग वगैरह, फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। यानी भाई गेमिंग परफॉर्मेंस को काफ़ी बेहतर, काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी अच्छा कर दिया गया है इस MIUI 14 इंडियन स्टेबल अपडेट के बाद Redmi Note 10 डिवाइस के अंदर, ठीक है ना भाई। तो जो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हो जाता है आप Redmi Note 10 यूजर्स के लिए। तो यहाँ पर भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे Redmi Note 10 डिवाइस के अंदर कौन से वर्जन के दौरान MIUI 14 का अपडेट देखने को मिला है, अपडेट का साइज़ क्या है एंड क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। तो भाई देखो अगर आपके डिवाइस के अंदर आपको अपडेट मिल चुका है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, आप अपडेट कर लो। और भाई आपके Redmi Note 10 डिवाइस के अंदर अगर ये MIUI 14 अपडेट आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है तो कैसे आपको अपडेट करना होगा। तो भाई देखो अगर आपके डिवाइस को अभी कभी तुरंत अभी अपडेट करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहाँ पर आपको रिकवरी रोम का लिंक मिल जाएगा जहाँ भाई फुल रोम आपको मिल जाएगा 280 MB आई थिंक उसका साइज़ है। तो सिंपल से उसको आपको डाउनलोड करना है एंड चूज अपडेट पैकेज के थ्रू आपके डिवाइस को आपको मैनुअली अपडेट कर लेना है। जी हाँ भाई अगर आप मैनुअली अपडेट करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एंड Redmi Note 10 डिवाइस के अंदर फ्यूचर पे जो भी अपडेट्स होंगे Xiaomi की तरफ से वो अपडेट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप अपडेट करोगे तो, ठीक है ना भाई। तो यार आज की वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जी हाँ आपके एक लाइक हमारे लिए भाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उसके साथ साथ भाई आपके सारे दोस्तों के पास ये वाला वीडियो आप शेयर भी जरूर कर देना ताकि आपके दोस्त को भी पता चल जाए Redmi Note 10 डिवाइस के अंदर फाइनली भाई बहुत दिनों के इंतजार के बाद MIUI 14 का अपडेट फाइनली रिलीज हो चुका है। उसके साथ साथ भाई यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको भी आप जरूर से ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस यानी Redmi Note 10 के डिवाइस के अपडेट्स के वीडियो फ्यूचर पे जो भी अपडेट्स आएंगे उनके वीडियोस आपको सबसे पहले हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। तो फिलहाल दोस्तों आज का ये वाला वीडियो बस यार इतना ही।